प्रयागराज मेजा के परानीपुर गांव निवासी कृष्ण प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि परानीपुर गांव स्थित श्री सुदिष्ट ब्रह्मधाम बाबा महाराज में समिति के नाम पर घोटाला किया गया है, जिसकी शिकायत वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव वित्त उत्तर प्रदेश, स्थानीय विधायक मेजा, रजिस्ट्रार फॉर्म सोसाइटीज चिट्स उत्तर प्रदेश, आयुक्त प्रयागराज, जिलाधिकारी प्रयागराज, सहायक रजिस्ट्रार फॉर्म सोसाइटीज प्रयागराज से की गई है। मेजा तहसील क्षेत्र के बिसेनपुर परानीपुर गांव निवासी कृष्ण प्रताप सिंह ने बताया कि परानीपुर मेजा प्रयागराज में सुदिष्ट ब्रह्म बाबा महाराज की समाधि स्थल है, जहां हर रविवार को हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में प्रति सप्ताह हजारों रुपए चढ़ावा चढ़ता है। उक्त चढ़ावे की रकम को हड़पने के लिए ही दो दशक पहले बने सुदिष्ट ब्रह्म धाम समिति पर अनैतिक रूप से फर्जीवाड़ा करते हुए समिति को ही भंग कर किसी दूसरे के नाम से संस्था का पंजीकरण कराया है। उन्होंने इस फर्जीवाड़े की शिकायत वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव वित्त उत्तर प्रदेश, स्थानीय विधायक मेजा, रजिस्ट्रार फॉर्म सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश, आयुक्त प्रयागराज, जिलाधिकारी प्रयागराज, सहायक रजिस्ट्रार फॉर्म सोसाइटी से किया है। जांच कर कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम कृष्ण प्रताप सिंह है। आपका कहना है कि बाबा महाराज पर फर्जीवाड़ा हुआ है जमीन वगैरह पर, क्या है पूरा मामला? बाबा महाराज पे एक समिति बनाई गई थी 2006 में, तो ओम प्रकाश तब से समिति का नाम क्या था? हाँ, समिति का नाम उसमें सुदिष्ट ब्रह्म धाम था जी। बाद में 2012 में फर्जीवाड़ा करते हुए उसका नाम श्यामा देवी सेवा संस्थान कर दिया गया, और उन्होंने कहा कि क्योंकि पत्रालय बहुत दूर है इसलिए इसका पता कनिहार झूंसी कर दिया जाए। जब दूसरी समिति बनाया तो कोषाध्यक्ष उन्होंने गाजीपुर का बनाया, जो कि गांव वाले न तो किसी ने उनको देखा है न कुछ आज तक नहीं आए हैं। समिति में अध्यक्ष बनाया उन्होंने फतेहपुर का, सचिव बनाया कनिहार झूंसी का अविनाश कुमार को, और तब से लेके फर्जीवाड़ा करते आ रहे हैं। चिट फंड में उन्होंने 8-9 हजार रूपये साल का कोर्स दिखाया, जबकि वहां हर महीने लाखों रुपए एकत्रित होता है। उन्होंने अब तक कई करोड़ रुपए का जो है गबन किया है। इसकी शिकायत आपने कहा की है? हमने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को किया है, प्रमुख सचिव को किया है, वित्त मंत्री को किया है, और जिलाधिकारी किया है, और आयुक्त को किया है, चिटफंड में किया है, विधायक को किया है। शासन प्रशासन से अब तक आप लोगों को क्या आश्वासन मिला? जांच शुरू हो गई है, जांच कमेटी गठित की, जांच कमेटी डीएम साहब को जो है डीएम साहब को आ गया है, तहसील में जांच शुरू हो गई है, और जो उन्होंने 8 व्यक्तियों की फर्जी फोटो लगाकर शपथ पत्र दे करके उनको निकाल करके समिति का नया नाम चेंज कर दिया, उसकी भी इंक्वायरी स्टार्ट हो गई। सर आपका पर्चा? हमारा पता कृष्ण प्रताप सिंह सनाब स्वर्गीय श्री जोखू सिंह, नाम बिसेनपुर, पोस्ट डोहरिया, इलाहाबाद।